हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 57 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 30th December के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब जो एक टेंजेंट्स है, जैसे हम सर्कल पर टेंजेंट्स बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं बाहर के किसी पॉइंट से वो, ठीक है। देखो टेंजेंट्स क्या है। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ये आपका सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, तो रेडियस ये है, तो जो रेडियस से जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। और जो टेंजेंट है, टेंजेंट सेगमेंट्स टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये आपका सर्कल है, बाहर के किसी पॉइंट से जो इसकी सेगमेंट्स बनती हैं टेंजेंट की, जो ये दो टेंजेंट बन रही है, क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, फ्रॉम अ पॉइंट 9 सेंटीमीटर। अभी एक 9 सेंटीमीटर दूर पॉइंट से, सेंटर से 9, मतलब ये 5 ऑलरेडी था, हमने 4 और बना दिया, ठीक है। तो सेंटर से 9 सेंटीमीटर आपको बनाना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। क्या करना है आपको, इस पॉइंट से इसके टेंजेंट्स बनाने हैं और जो इसकी टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन के लिए एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर आपको ड्रॉ करने हैं, पहले रेडियस कितने सेंटीमीटर की लेनी है, 6 सेंटीमीटर की क्वेश्चन में दे रखा है, तो पहले क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलोगे, मतलब आप लोगे अपना स्केल, ठीक है। स्केल पे 1 2 3 4 5 6 लिखा मिलेगा, तो एक पॉइंट को यहाँ रखना प्रॉपर कार के और एक को यहाँ रखना, ठीक है। 6 सेंटीमीटर जितना खोल लिया, अब 6 सेंटीमीटर जितना खोल के एक पॉइंट रख के 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना। ये हो गया 6 सेंटीमीटर का सर्कल। अब क्या करेंगे, लोकेट अ पॉइंट पी विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ से 10 सेंटीमीटर, मतलब 6 तो ये है, 4 और बनाना है, मतलब यहाँ से यहाँ पे स्केल रखोगे ना तो 10 सेंटीमीटर तक यहाँ पे होगा, मतलब ये 4 और एक्स्ट्रा बनाना है। ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट पी आपको बनाना है। जॉइन पॉइंट ओ पी थ्रू लाइन ओ पी को हमने मिला दिया है, ये आपका ओ है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ पी, ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाते हैं, ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 का आधा कितना होता है, 5, तो आधे से ज़्यादा लेते हैं हम, 5.5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, आधे से ज़्यादा लेते हैं, तो ये 5 था, मैंने 6 ले लिया। 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना है, एक बार इस पे रखना है पॉइंट, यहाँ आर्क लगानी है, ठीक है, और नीचे आर्क लगानी है, फिर इस पे रखना है प्रकार, यहाँ आर्क लगानी है और यहाँ लगानी है, ठीक है, फिर इस पॉइंट को मिला देना है। ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, जो इसका ये पॉइंट आया ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आप प्रकार रखोगे और इस पॉइंट पे प्रकार रख के आप सर्कल बनाओगे। जब आप सर्कल बनाओगे तो ये इन दोनों पॉइंट को टच करेगा, इन दोनों पॉइंट को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, यहाँ से हमारी टेंजेंट बनेगी ये, ठीक है ना, ये आपकी टेंजेंट बनेगी। अब आपको इनकी लेंथ आपको नापनी है, ठीक है। ये था आपका कंस्ट्रक्शन, ये हो गया आपके सारे के सारे स्टेप्स, 6 स्टेप्स हैं, 6 के 6 स्टेप्स होंगे। अब आपके चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। देखो तो आज की वर्कशीट में ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर की, जिसकी रेडियस होगी फ्रॉम पॉइंट 11 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, उसके सेंटर से 11 सेंटीमीटर दूर। आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं और उनकी लेंथ को मेजर करना है। देखो एक मिनट, ये देखो, ये आपको इसमें छोटा दिख रहा है, ये छोटा नहीं बनेगा, पूरा बड़ा बनेगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो स्टेप्स है ना, वो सेम, जो ऊपर आपके 6 स्टेप्स लिखे हुए ना वर्कशीट में, वही 6 स्टेप्स लिखने हैं, सेम टू सेम। बस वहाँ पे रेडियस 6 सेंटीमीटर है, बस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो 10 मीटर अवे था, ये 11 मीटर अवे, बस 6 की जगह वहाँ 7 कर देंगे ना, और 10 की जगह 11 कर देना, बाकी वही सेम स्टेप्स है 6, ठीक है। अगर आपको लिखनी हो तो आप अपने टीचर से पूछना लिखने हैं कि नहीं, अगर लिखनी है तो सेम ऊपर वाले ही लिखने आपको चाहिए। मैं अभी दिखा दूंगी कैसे करना है, पहले ये बनाना सीख लो। क्या करना है, ये मैंने कैसे बनाया है, पहले प्रकार खोलो 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, यहाँ पे रखी आपने जो प्रकार की निब होती है, ठीक है, विद जो एक पेंसिल, देखो दो ये होती है, एक में होती है आपकी पेंसिल है ना, और एक में होती है आपकी जो निडल होती है, तो निडल यहाँ पे रखोगे, निडल यहाँ रख के 7 सेंटीमीटर खोल के, ठीक है ना, निडल यहाँ रख के प्रकार को घुमा देना है, आपका सर्कल बन जाएगा 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर खोल के बनाना है ये, ठीक है, बना लिया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर टोटल। उसने बोला सेंटर से 11 मीटर अवे, मतलब ये पूरा 11 होना चाहिए, तो प्रकार खोल के इस पॉइंट पे रखो 0 पे, और जहाँ पे 11 है ना वहाँ तक, वहाँ पे पॉइंट, तो हमने क्या कर लिया, अब यहाँ तक हमने 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, देखो अब आपको जो अपना
कंपास है जो आपका प्रकार है, ये 11 सेंटीमीटर है ना, 11 का आधा क्या होता है 5.5 होता है, तो आधे से ज़्यादा लेना होता है आपको, 6 ले लो 7 ले लो, ठीक है। तो मैंने 6 ले लिया, 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लो। अब 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलने, एक बार इस पॉइंट पे रखो आपकी आपकी निडल, और पेंसिल से एक बार ऊपर आर्क लगाओ, एक बार नीचे आर्क लगाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे रखिए आपने निडल, यहाँ पे भी एक बार ऊपर आर्क लगाओ, एक बार नीचे लगाओ, लगा दी। फिर इस लाइन को हमने स्केल से मिला दिया। ये मिलाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अब जो ये लाइन हमने, अभी जो ये पॉइंट इस लाइन पे यहाँ पे काटता है, इस पॉइंट पे आपको रखनी है अपनी निडल, ठीक है ना। प्रकार की निडल इस पॉइंट पे रखी, और इस पॉइंट पे रखने के बाद आपने सर्कल बना दिया, पेंसिल घुमा दी। सर्कल जो आपका बना है, अब जो सर्कल बना है ये इस सर्कल को इस पॉइंट पे काटता है ना, तो इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट आपको मिलाने हैं। ये क्या हो गया आपकी टेंजेंट हो गई, ठीक है। अब इनकी आपको लंबाई मापनी है, तो लिखोगे PR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर के करीब आएगा ये, ठीक है। आपका जो अलग आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी आए आप आंसर बताना मुझे आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये टेंजेंट है, इक्वली आएंगे ये दोनों। और ये इतना छोटा फिगर मैंने इसमें सिर्फ ऐसे हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, आपका इतना नहीं बनेगा, आपका तो सर्कल भी बड़ा बनेगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा फिगर बनेगा ये, इसलिए आपको दिखाया है मैंने, क्लियर। चलिए तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्शंस के ये आपको यहीं से लिखने हैं, देखो यही है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे 6 की जगह 7 कर दो, 10 की जगह 11 कर दो, बाकी सारे 1, 2, 3, 4 जितने भी स्टेप्स हैं सारे सेम है, 5, 6, ठीक है ना, अगर लिखने हैं स्टेप्स तो, ठीक है। चलिए सेकेंड है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। ये तो सेम यही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ये क्वेश्चन तो हमने कर ही रखा है। अच्छा इसमें 9 सेंटीमीटर अवे है, इसमें 9 सेंटीमीटर अवे है ना, नहीं अच्छा क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर अवे है लेकिन इसने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही लिया हुआ है, तो ये रहा ये क्वेश्चन यहाँ पे कर ही रखा है जो इसमें, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिखना है, ये रहा ये है आंसर नंबर 2, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना, 6 के 6 स्टेप यही है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो यही बनाने आपको 6 के 6 सेम स्टेप्स लिखने, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है बस ये मेजर करके आपको लिखनी है, इसकी जो लेंथ है वो क्या आई है वो आप मुझे बताओगे, क्वेश्चन 2 की जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो क्या है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 ऑलरेडी आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, आपको सेम यही है आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर अभी भी आपको नहीं आए तो हम संडे को इसको हाथ से, मतलब मैं आपको बना के दिखा दूंगी, अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना तो हम कंस्ट्रक्ट करके देख लेंगे, ठीक है। आप मुझे वर्कशीट उसमें बता सकते हो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।